प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ आपका। आज अपन बात करेंगे हाड़ौती के चौहानों का पार्ट थर्ड। देखिए, इससे पहले अपन ने बूंदी के चौहान पढ़े थे और बूंदी के चौहानों के बाद में अपन बात करेंगे कोटा के चौहानों के बारे में। तो देखिए, कोटा कोटा के चौहान है, इसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। और कोटा के चौहानों का जो पहला शासक था, ये था माधो सिंह। माधो सिंह है, और माधो सिंह है, इसका जो कार्यकाल था 1631 से 48, 1631 से 48। देखिए, इसके समय क्या हुआ, शाहजहां ने बूंदी से कोटा अलग कर स्वतंत्र रियासत का दर्जा दे दिया, और यहां का शासक बूंदी के रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को मान लिया, जो उपरोक्त है, ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें, शासक बना राव मुकुंद सिंह। देखिए, राव मुकुंद सिंह है, इसका जो कार्यकाल था 1648 से 58, 1648 से 58। राव मुकुंद सिंह है, यह है औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में मारा गया। औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, वीरगति प्राप्त हुआ। आपको पता है कि साझा के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, और उन्हीं उत्तराधिकारी युद्धों में से एक युद्ध है धर्मत का युद्ध, जिसमें कौन मारा गया, राव मुकुंद सिंह हाड़ा मारा गया। यह है अबली, अबली मिनी से प्रेम करता था और इसे अपनी पासवान का दर्जा दिया, और इसी के सम्मान में इसने क्या करवाया, दर्रा अभ्यारण्य में, दर्रा अभ्यारण्य में कौन सा महल बनवाया, अबली मिनी का महल बनवाया, जिसे हाड़ौती या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान में ताजमहल के नाम से तीन प्रसिद्ध हैं। एक तो है जसवंत छड़ा, जो जोधपुर में है, जसवंत सिंह की छत्री है वो, राजस्थान में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का ताजमहल। और एक ये है हाड़ौती या राजस्थान का दूसरा ताजमहल या लघु ताजमहल, अबली मिणी का महल। और एक है प्रतापगढ़ में काका पीर की दरगाह, वो है काठल का ताजमहल। इसके बाद में अपन बात करें राव मुकुंद सिंह के बाद में देखेंगे अपन राव जगत सिंह। जगत सिंह कोई विशेष काम नहीं हुआ, निसंतान इसकी मृत्यु हो गई दक्षिण भारत में 1658 से, इसका कार्यकाल 84 तक का था, निसंतान मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करें तो शासक बना राव किशोर सिंह। राव किशोर सिंह, और राव किशोर सिंह है 1684 से 96 तक कार्यकाल, 1684 से 96 तक इनका कार्यकाल था। इसने कोटा में किशोर सागर झील का निर्माण करवाया, कोटा में किशोर सागर झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया, किशोर सागर झील या तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इसके बाद में शासक बना राम सिंह, शासक राम सिंह बना यहां पर सबसे महत्वपूर्ण शासक है, सब राम सिंह महत्वपूर्ण है। देखिए, 1696 से इसका कार्यकाल था 1707, वीर था। देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बात हुई, जजाऊ का युद्ध हुआ एक, जजाऊ, और जजाऊ कहाँ है, यूपी में। एक युद्ध कब हुआ था, 1707, किन किन के मध्य, औरंगजेब के पुत्रों, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, आजम व
जिसमें राम सिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। लेकिन विजय कौन हुआ था? मुअज्जम विजय हुआ। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर राम सिंह है, राम सिंह ने अपनी तोपों से, राम सिंह ने अपनी तोपों से दुश्मन को बूंद दिया, दुश्मन को भून दिया, इसी कारण इसका एक उपनाम मिलता है भड़भूजा। यानी राम सिंह को क्या कहा जाता है? भड़भूजा भी कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, यहां पर जो शासक बना ये कौन बना साहब? भीमसिंह। और भीमसिंह है 1707 से 20 तक इसका क्या था साहब? कार्यकाल, भीमसिंह का कार्यकाल। भीमसिंह जब कोटा का सबसे सर्वाधिक, कोटा का सर्वाधिक प्रभावशाली प्रभावशाली शासक रहा, कोटा का सबसे प्रभावशाली क्या रहा? शासक रहा। और कोटा का इसके समय सर्वाधिक सर्वाधिक विस्तार हुआ, इसके समय क्या हुआ? सर्वाधिक विस्तार हुआ कोटा का। और उदयपुर, उदयपुर के शासक हैं अमर सिंह दित्ते, अमर सिंह है दित्ते, अमर सिंह दित्ते ने इनको महाराव की उपाधि दी, महाराव की उपाधि दी। बाद में बहादुर शाह प्रथम, जो ये मुअज्जम है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है, ये भी इस उपाधि को क्या दे देगा? मान्यता दे देगा। नेक्स्ट अपन बात करें, भीम सिंह ने बूंदी के बुद्ध सिंह को 2 बार आया, रायस ने बूंदी के बुद्ध सिंह को, बुद्ध सिंह को 2 बार हराया, 2 बार हराया, और बूंदी से ये तोप लेकर आया था, बूंदी से युद्ध में जीतकर। एक तो है धूलवाणी तोप, और दूसरी जो तोप है यह है कड़क बिजली, कड़क बिजली। ये 2 तोप हैं, ये कहां से लेकर आया? ये बूंदी से जीत करके लेकर के आया। इसके बाद में देखिए और महत्वपूर्ण बातें हैं इन्हीं के बारे में, अपन बात कर रहे हैं माधव सिंह दित्ते के संदर्भ में। और माधव सिंह दित्ते है ये पहला शासक बना, कहां का? कोटा का। शाहजहां ने बूंदी से कोटा अलग कर दिया, स्वतंत्र रियासत बना दी। और ये माधव सिंह है ये किसका पुत्र था? बूंदी के रतन सिंह का पुत्र था। और कोटा के अंदर इसको चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है, तो ध्यान में रखना चौहान वंश का संस्थापक कोटा में कौन हो गया? माधव सिंह हो गया। राव मुकुंद सिंह आड़ा शासक बना, औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अबली मिणी है इसको अपनी पासवान बनाया, और दर्रा बैरन में अबली मिणी के लिए क्या बनाया? अबली मिणी का महल। इसे हाड़ोती या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। इसके बाद में राव जगत सिंह शासक बना, निसंतान मृत्यु। राव किशोर सिंह शासक बना, कोटा में इसने कौन सी झील बनवाई या कौन सा तालाब बनवाया? किशोर सागर तालाब बनवाया। राम सिंह शासक बना, राम सिंह है इसने जजाऊ के का युद्ध हुआ था 1707 में औरंगजेब के पुत्रों आजम और मुअज्जम के मध्य, जिसमें किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। विजय किसकी हुई? मुअज्जम की। इसने दुश्मन में इसने युद्ध के अंदर अपने दुश्मनों को भून दिया था तोपों से, इसी कारण इतिहास में इसका नाम बड़भुजा भी जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, तो यहां पर बात करेंगे अपन भीमसिंह, और भीमसिंह है इसके संदर्भ में देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये भीमसिंह के संदर्भ में बनेंगी। तो देखिए आप, 1707 से 1720, 1707 से 1720 है ये कौन शासक बना? भीमसिंह शासक बना, भीमसिंह शासक बना साहब। और कोटा का सबसे प्रभावी शासक था ये, और कोटा का सबसे ज्यादा विकास किया या विस्तार किया। और उदयपुर का शासक था राणा अमर सिंह दित्य, इसने इसको महाराव की उपाधि दी। और मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम जो था उसने भी इस उपाधि पर क्या लगा दी? मोहर लगा दी। बूंदी के बुद्ध सिंह को इसने 2 बार हराया युद्ध में, और यहां से एक तो दूरवाणी और एक कड़क बिजली नामक जो तोप है वो कहां से जीत करके लाया था? यह है बूंदी से जीत करके लाया था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे
इसने और क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए वो अपन देखते हैं, देखिए और क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए इसने। युद्ध में बुध सिंह को हराया, बुध सिंह को हराने के बाद में बूंदी का शासक था, यहां से कड़क बिजली और धूलवाणी दो तोप है ये जीत कर लाता है। इसके बाद में इसने कोटा में ब्रज ब्रज आ ब्रज मंदिर, ब्रजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ब्रजनाथ मंदिर है ये इसने कोटा में बनवाया। आशापुरी माता का मंदिर बनवाया कोटा में, आशपुरा माता का मंदिर बनवाया कोटा के अंदर ही। नेक्स्ट है भीमगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, भीमगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया इसने। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो कृष्ण भक्त था, और कृष्ण भक्त होने के कारण अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया। नाम क्या रखा? कृष्ण दास। भीम सिंह से कौन सा नाम रख लिया? कृष्ण दास इसने अपना नाम रख लिया, और अपने आप को ब्रज का सेवक कहा, अपने अपने को ब्रज का सेवक कहा, ब्रज का सेवक कहा अपने को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो कोटा का नाम बदलकर कोटा का नाम है इसने क्या रख दिया था? कोटा का नाम नंदराज रख दिया था, नंदगांव, सॉरी नंदगांव कोटा का नाम रख दिया था। और शेरगढ़ का नाम बदलकर शेरगढ़ का नाम है ये बदलकर क्या रख दिया था? बरसाना। शेरगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? बरसाना। तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? भीम सिंह के बारे में। भीम सिंह को अपन ने यहाँ पर देखा बूंदी के बुध सिंह को हराता है। इसके बाद कोटा में कौन से मंदिर का निर्माण करवाता है? ब्रजनाथ मंदिर का निर्माण, आशापुरा माता मंदिर का निर्माण, भीमगढ़ दुर्ग का निर्माण। कृष्ण भक्त था, अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? भीम सिंह से कृष्णदास, और अपने आप को ब्रज का सेवक कहलाना क्या करता था? पसंद करता था। और कोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया? नंदगांव कर दिया। और शेरगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? बरसाना रख लिया। इसके बाद आगे देखें, ये बात थी किसकी? भीम सिंह के बारे में। भीम सिंह के बाद अपन देखेंगे यहाँ पर कौन सा और महत्वपूर्ण शासक है ये बनेगा भीम सिंह। महत्वपूर्ण शासक है भीम सिंह। भीम सिंह के बाद में दुर्जन शाह, दुर्जन शाह है ये शासक बनता है। और दुर्जन शाह है 1723 से 56 के मध्य शासक रहता है। 1723 से 56 के मध्य कौन शासक रहता है? दुर्जन शाह। सर्वप्रथम 1738 में कोटा राज्य पर मराठों का आतंक छा गया। 1738 में सर्वप्रथम कोटा पर मराठा आतंक छाया, और मराठों ने चौथ वसूला, चौथ कर होता है वसूला, ठीक है, चौथ कर वसूला। अब अपन बात करें इसकी रानी थी, रानी का नाम है ब्रज कुंवर। रानी का नाम क्या है? ब्रज कुंवर, ब्रज कुंवर। और ब्रज कुंवर कौन थी? संग्राम सिंह दित्य की पुत्री, राणा संग्राम सिंह दित्य की बेटी। कौन? ब्रज कुंवर। ब्रज कुंवर है इसने अपने पति से उलाहना दिया कि हमारे मेवाड़ के अंदर या हमारे उदयपुर के अंदर जिलों के अंदर बड़े ही मनोरम महल बने हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ तो कोई ऐसा महल ही नहीं है। इसके बाद में दुर्जन साल है यह इसके सम्मान में या दुर्जन साल की आज्ञा से ये क्या करेगी? किशोर सागर जिले के अंदर एक मंदिर महल का निर्माण करवाएगी जिसका नाम उदयपुर के जल महल की तर्ज पर रखेगी जग मंदिर। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उदयपुर के महलों की तर्ज पर राजस्थान में अन्यत्र कहां पर महल बने हुए हैं? तो कहां पर महल बने हुए हैं? कोटा में महल बने हुए हैं। तो देखेंगे
अपन बात कर रहे हैं दुर्जन साल के संदर्भ में। अब है रानी ब्रज कुंवर है, ये क्या करेगी किशोर सागर झील में, किशोर सागर झील या तालाब में जग मंदिर पैलेस का निर्माण, जग मंदिर पैलेस का निर्माण। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए उदयपुर के जल महलों की तर्ज पर ये महल बना हुआ है, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहां पर ये बात किसकी होगी, दुर्जन साल की। नेक्स्ट अपन देखें शत्रु साल, शत्रु साल आड़ा 1758 से 1758 से 64, 1758 से 64 तक इनका कार्यकाल रहा, किसका शत्रु साल आड़ा का। नेक्स्ट अपन बात करें दुर्जन साल के बीच में अजीत सिंह शासक रहता है लेकिन प्रमुख नहीं है, ये शत्रु साल था, अजीत सिंह का बेटा था। और यहां पर अपन बात करेंगे 1758 में, 1758 में कोटा का फौजदार, और कोटा का फौजदार कौन बनेगा साहब, झाला जालिम सिंह। तो झाला जालिम सिंह कोटा का फौजदार, झाला जालिम सिंह है, यह क्या बना कोटा का फौजदार बना। और यहां पर एक युद्ध होता है बटवाड़, बटवाड़ का युद्ध, और यह बटवाड़ का युद्ध है यह है 1761 में होता है, अपने कछुआओं के अंदर भी पढ़ा है ये, आमेर जो पढ़ रहे थे तब भी अपन ने देखा है। और ये युद्ध होता है आमेर के माधो सिंह प्रथम व झाला जालिम सिंह के मध्य, झाला जालिम सिंह के मध्य, जिसमें किसकी विजय होती है झाला जालिम सिंह की या शत्रु साल की विजय होती है। नेक्स्ट अपन बात करें जालिम सिंह ने पिंडारियों व मराठों से मित्रता करके कोटा राज्य को इनके आतंक से बचाया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, विगत राजस्थान रोडवेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 1818 में जालिम सिंह ने शत्रु साल की ओर से अंग्रेजों से क्या कर ली, अंग्रेजों से संधि कर ली साहब, अंग्रेजों से क्या कर ली इसने, संधि कर ली, किसने कर ली झाला जालिम सिंह ने, अंग्रेजों से क्या कर ली साहब, संधि कर ली 1818 के अंदर। अब अपन बात करें झाला जालिम सिंह है इसे कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कौन है, झाला जालिम सिंह। अब अपन बात करें राम सिंह दित्ते, और राम सिंह दित्ते है ये इसके समय क्या महत्वपूर्ण बात हुई, 1857 की क्रांति के समय में राम सिंह दित्ते था, 1838 में, 1838 में जालिम सिंह का पोता पुत्र जिसका नाम है झाला मदन सिंह, इसको कोटा से झालावाड़ अलग कर स्वतंत्र रियासत का दर्जा दे दिया। और ये अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में बनाई गई अंतिम रियासत थी, अंतिम रियासत थी मित्रों।
अंतिम रियासत थी ये, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजस्थान में अंतिम रियासत है ये कौन सी है, झालावाड़, जिसकी राजधानी क्या रखी गई, झालरा पाटन। देखिए, और 1800 क्रांति के समय कौन जो शासक रहता है, राम सिंह द्वितीय। अब अपन बात करते हैं दुर्जन शाल की। देखिए, सर्वप्रथम कोटा पर मराठा जो आतंक छाया ये किसके कार्यकाल में छाया, दुर्जन सिंह के कार्यकाल में छाया। मराठों ने यहां पर चौथ कर वसूला किसके कार्यकाल में, दुर्जन के कार्यकाल में। इसकी रानी का नाम है क्या, ब्रज कंवर। किसकी रानी थी, राणा संग्राम सिंह द्वितीय की रानी थी। इसने किशोर सागर झील में कौन सा मंदिर बनवाया, कौन सा महल बनवाया, जग मंदिर पैलेस बनवाया। और इसकी विशेषता क्या है, यह है उदयपुर के जल महलों की तर्ज पर बना हुआ राजस्थान का महल है। क्यों, क्योंकि ब्रज कुंवर कहां की रहने वाली थी, ये मेवाड़ या उदयपुर के रहने वाली थी। शत्रु साल की अपन बात करें तो कोटा का फौजदार 1758 में कौन बना, झाला जालिम सिंह। और बटवाड़ का युद्ध होता है, इस युद्ध को अपन ने आमेर में भी पढ़ा है। आमेर के माधो सिंह प्रथम और झाला जालिम सिंह ने किसकी तरफ से भाग लिया, शत्रु साल की तरफ से भाग लिया, और उसमें विजय कौन हुआ, झाला जालिम सिंह। जालिम सिंह है, इसने पिंडारियों व मराठों से मित्रता करके कोटा राज्य को इनके आतंक से बचाए रखा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में 1818 में जालिम सिंह ने किसके साथ में संधि कर ली, अंग्रेजों से संधि कर ली शत्रु साल की तरफ से। और झाला जालिम सिंह को क्या कहा जाता है, कोटा का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। राम सिंह द्वितीय शासक बना, ये 1838 में जालिम सिंह का पोता था जिसका नाम है झाला मदन सिंह। इसने कोटा से झालावाड़ अलग करके स्वतंत्र रियासत बना दी। स्वतंत्र रियासत का शासक किसको मान लिया गया, किसको, झाला मदन सिंह को मान लिया गया। और ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत थी। और झालावाड़ की राजधानी है यह है झालरा पाटन को रखा गया। तो ये था मित्रों आपका हाड़ौती के चौहानों का गौरवमय इतिहास। तो हाड़ौती के चौहानों में अपन ने बूंदी को पढ़ा है और कोटा को पढ़ा है। इस प्रकार से अपन ने बूंदी और कोटा को देखा। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट में लिखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करते रहें। धन्यवाद मित्रों।